हम लोग यहाँ फिल्म देखने इसलिए आए हैं कि विक्रमादित्य मोटवानी की जितनी भी फिल्में आज तक बनी हैं वो सब हमको बहुत अच्छी लगी हैं और इस फिल्म की बहुत तारीफ है, इसका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और मुझे यकीन है कि अच्छी फिल्म होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती जब तक हम देखें। मैं ये कह सकता हूँ कि जो है फिल्म विक्रमादित्य तो हम बहुत कायल हैं उसके, राइटिंग इज एन एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन, और ये पिक्चर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की चोरी पे बनाई है तो बहुत ही शॉकिंग बातें इसमें ज़रूर होंगी और वी विल बी एनलाइटेंड, एक नई रोशनी हमारे सामने आएगी ये पिक्चर देख के। The expectations, well, I don't know, frankly. This is the first time a documentary is releasing like this in the cinemas, and thanks to Phantom, thanks to Vikram Motwane and Anurag Kashyap, we're actually able to do it. So I hope that the audience enjoys it. We're confident. I don't know if we have concrete expectations. Of course, we hope that everyone loves the film. Beyond that, I guess it's not in our hands any longer. ऐसा कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में पहली बार कर रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री ये स्केल पे रिलीज़ हो रही है, इतने इतने शान से रिलीज़ हो रही है। तो हाँ, एक्सपेक्ट, मतलब वी डोंट नो, वी हैव टू सी हाउ इट वर्क्स, हाउ इट डजंट वर्क, ऑल दैट, बट वी वेरी होपफुल, वी फील कि पिक्चर अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, बहुत लोगों को बहुत मज़ा आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। इसी का नहीं, लोहा सिंह है, लोहा सिंह एक कटियाबाज है कानपुर में, कटिया मतलब जो कटिया लगा के जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते हैं उसको कटिया बोलते हैं, और जो कटियाबाज है मतलब बाजी खेलता है, तो एक और लोहा सिंह कानपुर का सबसे अच्छा कटियाबाज है। कहानी उसके ऊपर है, कहानी है पॉलिटिक्स के बारे में, कहानी है कानपुर के बिजली के एक प्रॉब्लम के बारे में, कहानी काफ़ी चीज़ों के बारे में। इट्स अ सोशल फिल्म बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अ वेरी फन फिल्म, इट इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, एक थ्रिलर टाइप फिल्म है, और लोहा सिंह कैरेक्टर मतलब सलमान खान के टाइप ही है कि एक हैं दबंगी हैं, काफ़ी बात करते हैं। ये सोशल कॉज बस एक अवेयरनेस दे रही है यहाँ पे कि एक प्रॉब्लम है कानपुर में, एक सिचुएशन है कानपुर में, और ये ऐसा हो रहा है वहाँ पे। सोशल कॉज को आगे मतलब हम लोग कोई हल तो नहीं ढूंढ रहे समस्या की, तो कि कभी होता नहीं, फिल्म तो यार इतना ही कर सकता है कि आपको अवेयर करें। I mean, I don't know, but I think this is a pretty important screening, and there are a lot of important people here, so it looks like it's getting a lot of support. And I've heard personally from people who've seen it at Mami that it's a brilliant film, so I'm personally looking forward to it. Audience, I think the audience is ready to accept a lot of new concepts, and I think that we have proven in the last few years that different kind of concepts are working, so absolutely, I think it's just a question of providing them with something different. Bahut excited hu, maine already suna ki bahut achhi film hai, mere dost ne dekhi Mami festival mein aur main thi nahi to maine miss kiya, to isliye main aaj aayi hu.